संदेश अब तक की बहुत ही बड़ी घटना होगी। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह में आपके लिए सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, उसके बारे में विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान, अब तनाव जो भी है वो अब दूर होगा, आपको आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था उनको आर्थिक हानि होने की संभावना जो कि ज़्यादा बन रही है। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। नई साझेदारी के लिए दिन फलदायी रहेगी। आपके घर का कोई करीबी शख्स आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही और आपको भी बुरा लग सकता है। जीवन साथी के साथ शाम जो कि वाकई बहुत खास साबित होने वाली है। सामान्य राशिफल की बात करें तो आपको मानसिक रूप से ताजगी का एहसास होगा और मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे। घर में कुछ बदलाव करने से पहले सभी सदस्यों की राय लेना जरूरी है। लवमेट पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं, वरना दिलों में दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। धन प्राप्ति सुगम होगी। सामाजिक कार्य में मन बहुत ही अच्छा लगेगा। भावुकताओं में आप अपने मन की बात किसी को ना कहेगा। निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करेगा। एक बार एक गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा है। अगर आप कार्यक्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम में आधुनिकता लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही नई तकनीक से जो कि अपडेट रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। पिता आपको जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन निराश मत रहो। ध्यान रहे कि संपन्नता दिमाग को जंग लगा देती है दोस्तों और कठिनाइयां उसे पैनी करती है। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। जितना आपने सोचा है आपके दोस्त उससे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। लेकिन जो भी जायदाद से पिताजी बेदखल करने की बात हमने कही है वे सभी के मामले में साबित नहीं होगी। कुछ ही लोगों के मामले में यह हो सकता है, लेकिन वह भी अगर आप अपने पिताजी से अच्छे से बात करें या फिर उनसे समझाएंगे तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ही कुछ लेकर बैठे आप पिताजी से या फिर अपने घर वालों से झगड़ते रहेंगे तो ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। अनपेक्षित रोमांटिक आकर्षण की संभावना बन रही है। काम में धीमी प्रगति हल्का सा मानसिक तनाव दे सकती है। दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। बिन बुलाए कोई मेहमान घर में आ सकते हैं, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आपके मन में तनाव है तो किसी नज़दीकी रिश्तेदार या फिर दोस्त से बात करें, इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक अशुभ सा संदेश आपको मिलने वाला है, ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानेंगे। 4 मार्च से लेकर 10 मार्च इस सप्ताह में एक कोई अशुभ संदेश आपको मिल सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन में क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसके पास पैसा है उनको भी प्रॉब्लम परेशानी आती है और जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी प्रॉब्लम या फिर परेशानियाँ आती रहती हैं। तो उन प्रॉब्लम परेशानियों का डट कर सामना करना चाहिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो दोस्तों का सहारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम परेशानियों को जो कि देखकर आप कहीं पर भी भाग मत जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है
उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपनी पहुंच और धन के बल पर दूसरों की सहायता करेंगे। आप किसी सेवार्थ कार्य में धन की मदद कर सकते हैं या अपने किसी साझेदार को बढ़िया सा तोहफा भी दे सकते हैं। जो भी हो, आपकी पहुंच, आपकी आर्थिक हैसियत और आपकी दयालुता के चलते किसी ना किसी को तो लाभ जरूर मिलेगा ही। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए एक व्यवहार्थ समाधान मिल सकता है और उसे लागू करने के लिए उचित दिशा में आप पहला कदम उठाएंगे। पिछले कुछ समय से धन की समस्याओं ने आपकी नाक में दम किया था, परंतु अब आप काफी हद तक इस पर काबू भी पा पाएंगे। हालांकि यह कदम कुछ मुश्किल हो सकता है, परंतु अंत में आप सही निर्णय लेंगे जो कि काफी हद तक आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा और आप आर्थिक समस्या से बाहर आ पाएंगे। करियर राशिफल की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आप लोगों को बता सकेंगे कि आप क्या काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर ले और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। लव राशिफल की बात करें तो आपको चाहिए कि आप आकर्षण व्यक्तित्व वाले अपने साथी को अपने वश में कर सके। जिंदगी का मजा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप किसी शांत एवं प्राकृतिक रूप से भरपूर किसी रोमांटिक स्थान पर जाएं, जहां कोई आपको तंग ना करे। इस प्रकार आप एक दूसरे को भली प्रकार जान सकेंगे। इस प्रकार बाहर जाने से न केवल आपकी बौरियत दूर होगी, जिंदगी के नए आयाम भी मिलेंगे। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है और जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं वो लोग अब इंतजार ना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है आप पूरे साहस के साथ सेहत मंत्र को पाने में जुट जाएं। आप मानसिक तनाव से मुक्ति रहेंगे और आपकी त्वचा बेहद चमकती भी रहेंगी। लोग आपसे आपकी खूबसूरती का राज भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करिएगा। दोस्तों, आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं, कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह जो राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी तो हमारा जो नंबर है उस नंबर को भी आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी परेशानी आए या फिर कुंडली बनाने के लिए आप अपने बेटे या फिर अपने भाई, अपनी बहन या फिर शादी की कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हमारे मोबाइल नंबर को ज़रूर सेव करके अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।